साईं, लोग सुबह सुबह तुलसी को पानी क्यों देते हैं? आज जी कहती हैं तुलसी माता होती हैं। क्या ये सच है? एक पौधा माता कैसे हो सकती है? बेटा, तुलसी हवा को शुद्ध करती है और शुद्ध हवा हमें स्वस्थ रखती है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को अच्छा भोजन देकर स्वस्थ रखती है। इसीलिए तुलसी जी को माँ का दर्जा दिया गया है। शुक्रिया साईं, चलो चलो खेलते हैं। साईं, प्रणाम। सही राम जी भला करें, आज खेत नहीं गए बल्लभ? अभी तो खेतों में रोपण हो रहा होगा। हाँ सही, मैं खेती जा रहा था, लेकिन मुझे कोयले का टुकड़ा चाहिए, उसके बिना मैं खेत नहीं जा सकता। कोयले का टुकड़ा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन कोयले के टुकड़े का खेत में जाने से क्या संबंध है? मैना, रोज खेत जाते वक्त एक कोयले का टुकड़ा अपने साथ रखता हूँ। मैंने बचपन से देखा है, जब भी मैं कोयले का टुकड़ा साथ रखता हूँ तो मेरा दिन अच्छा निकलता है। आज घर में कोयला नहीं था, मैंने सोचा शायद साई के पास होगा। तुम सच में ऐसी बातों में विश्वास रखते हो? और तुम जानते हो ना, साई ऐसी बातों के लिए क्या कहते हैं? बल्लभ, मैं अभी कोयला देता हूं। बल्लभ, कोयले के टुकड़े को मैंने तावीज में बांध दिया है, ये लो। धन्यवाद साईं, अब मैं चलता हूं, देरी हो रही है। राम जी भला करें। बल्लभ, खेत का काम खत्म करके मुझसे मिलते जाना। ठीक है साईं। साईं, आप तो इन सब चीजों को अंधविश्वास कहते हैं, फिर आपने उसे कोयला क्यों दिया? तजुर्बा श्यामा।
गंगाधर काका, हमारे शिरडी में आपका मन जरूर लग जाएगा। वो तो मेरे दिगंबर गुरुजी की मेहरबानी है, तुम्हारे आई बाबा यहाँ होते तो उन्हें उनसे जरूर मिलवाता। वो लौट कर आ जाए तब जरूर मिलवा दीजिएगा। ठीक। क्या हुआ काका? पांव में कंकर लग गया। आप मेरी चप्पल पहन लीजिए। नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा है कि मुझे वहाँ नंगे पांव ही जाना है। और कितना दूर है खंडोबा मंदिर? बस अब तो थोड़ी ही दूर है। काका, ये रास्ता भी खंडोबा मंदिर की ओर जाता है और ये रास्ता भी। अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो आपको साई दर्शन का लाभ हो सकता है, वो हमारे गुरु हैं। नहीं नहीं, अभी समय नहीं है। मेरे दिगंबर गुरुजी ने आदेश दिया है कलश पूजन करके मुहूर्त से पहले घर भी वापस लौटना है। हम छोटे रास्ते से ही जाएंगे। चलिए। कोई बात नहीं, वैसे भी साई से मुलाकात तभी होती है जब साई उसका समय और दिन तय करते हैं। चलिए। साई, पंडित जी, दो दिन बाद खंडोबा नवरात्रि शुरू हो रही है। इन दिनों खंडोबा की मूर्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, मानो जैसे मूर्ति जीवित हो उठी हो। आप कहते हैं ना, ईश्वर हमारे मन में है, मन में अगर श्रद्धा हो तो एक पत्थर में भी ईश्वर दिख जाते हैं, और श्रद्धा ना हो तो साक्षात भगवान भी सामने हो तो उसे कोई भी नहीं पहचानेगा। कल भागवत पुराण पढ़ते हुए मुझे आपकी बात याद आ गई थी। गोकुलवासियों के मन में श्रद्धा थी, इसीलिए काना में भगवान विष्णु दिख गए, और कंस के मन में मैल था, इसीलिए भविष्यवाणी सुनने के बावजूद भी काना की दिव्यता को अस्वीकार करता रहा। काश हर मनुष्य श्रद्धा की ये परिभाषा समझ पाए। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। काका, मैंने आपसे कहा था ना, साईं चाहेंगे तो दर्शन हो ही जाएंगे। आपकी किस्मत में साईं से मिलना था ही, इसीलिए रास्ता दूसरा चुनने पर भी आपको साईं दिख ही गए। साईं, ये गंगाधर काका है। पूना में संपन्न और समृद्ध व्यक्तियों में गिनती होती है इनकी। इनकी कई बीघा जमीन है और फलती फूलती खेती है। और काका, ये है साईं, और ये पंडित जी। वैसे खंडोबा जी की पूजा हमेशा महलसापति जी करते हैं। वे कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी यमुना के घर गए हैं, इसीलिए तब तक पूजा ये करेंगे। इनके बेटे मोहन का तबादला यहाँ हो गया है, उसकी सरकारी नौकरी है ना, काका और काकी भी उसके साथ यहीं रहने आ गए हैं, और आज ही नए घर में ये कलश रखकर गृह प्रवेश करना चाहते हैं ये। राम जी भला करें, फिर कभी इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। फिलहाल आप जल्दी में लग रहे हैं। जी जी, मैं बहुत जल्दी में हूँ। पंडित जी, आप जल्दी से कलश पूजा करा दीजिए ना, मेरे गुरुजी ने शुभ मुहूर्त निकाला है, अगर उस मुहूर्त में घर में प्रवेश नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। जल्दी कीजिए। जरूर आइए। आइए। साईं, इनका बेटा मोहन बहुत बड़े सरकारी पद पर है,
और ये अपने बेटे से इतना प्यार करते हैं कि एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकते। इन्हें जैसे ही अपने बेटे के तबादले का पता चला तो अपना सालों का बसा बसाया पूना का घर बार छोड़कर खेती बाड़ी भी छोड़कर अपने बेटे के साथ बसने यहां आ गए। हे भगवान, भूल तो खत्म हो गया, अब क्या होगा? पर सही मुहूर्त पर गृह प्रवेश नहीं हुआ तो? ईश्वर पर भरोसा रखिए गंगाधर जी, आपकी समस्या का हल आ चुका है। प्रणाम काका। प्रणाम साय। राम जी भला करें। पूर्णा, इस समय यहाँ तुम्हारी ही जरूरत थी। अच्छा हो गया तुम आ गई, मंदिर के फूल खत्म हो गए हैं। ये लीजिए काका। आज तुम्हारे कारण काका के घर की पूजा समय पर पूरी हो पाएगी। बहुत मेहनती लड़की है काका, इसके बाबा का फूलों का व्यापार है और बहुत मदद करती है उनकी, और चाहे कुछ भी हो जाए ये एक दिन भी यहाँ आकर फूल देना कभी नहीं भूलती। कैसे भूलूंगी काका, जब मेरे बाबा ने फूलों का व्यापार शुरू किया था तब साई ने उनसे कहा था कि अपने व्यापार में खंडोबा जी को हिस्सेदार बना लो, कभी कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए सुबह के पहले कुछ फूल इनके मंदिर में देकर ही दिन की शुरुआत होती है। लेकिन ईश्वर व्यापार में हिस्सेदार कैसे बन सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? सुबह के पहले चार फूल ईश्वर को समर्पित करके हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उसने हमें ये व्यापार करने की प्रेरणा दी, और साथ ही साथ उससे ये भी कहते हैं कि हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, लेकिन इसे कामयाब करने ना करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जब हम पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर को समर्पित होते हैं तो हमारे व्यापार, गृहस्थी, सबकी जिम्मेदारी वो लेता है। उसे भागीदार बनाने का मतलब है हमेशा के लिए अपने कर्मों के लिए ईश्वर से आशीर्वाद लेना। साई की बातें समझना आसान तो नहीं है, लेकिन उनकी बातें सुनकर हमेशा भला ही हुआ है। जब मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि सुबह सबसे पहले यहाँ फूल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करना, तब मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन अब बाबा ने कहा था तो मैंने कर दिया। सुबह सुबह कई श्रद्धालु आते हैं, वो मुझे यहाँ देख मुझसे फूल खरीदने लगे, और एक बार जान पहचान हो गई तो उनके घर कोई भी त्योहार हो, शुभ अवसर हो, तब वो मुझसे ही फूल मंगवाने लगे। ये समझ आया कि साई ने जो कुछ भी कहा था उसमें हमारा भला ही था। मैं बाकी कुछ तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि आज तुमने समय पर आकर मुझे एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। तुम तो मेरे लिए खंडोबा की भेंट बनकर आई हो, आज तुम्हारे कारण हमारा गृह प्रवेश सही समय पर हो पाएगा। चलिए पंडित जी, शुरू करते हैं। काका, आपके घर में गृह प्रवेश है? मतलब आप गंगाधर जी है? मुझे इसके बाद आपके घर ही तो जाना है। आपके गृह प्रवेश के लिए फूल की सजावट का काम बाबा को ही मिला है, मैं भी वही जा रही हूँ उनकी मदद करने। पूर्णा, मैं भी चल रहा हूँ, भिक्षा का समय हो गया है। जी सर। आ, 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 आ,
साई पता है, गंगाधर जी जितने रईस है ना उतना बड़ा दिल भी रखते हैं। बाबा को इतने सारे पैसों का काम पहली बार मिला है, ये तो सब उनकी मेहनत का नतीजा। लोगों ने उनकी तारीफ की होगी तभी तो गंगाधर जी ने उन्हें काम दिया होगा। लेकिन बाबा बस कहते रहते हैं कि ये तो भगवान का आशीर्वाद है। फिर मैंने उन्हें समझाया कि अगर ये भगवान का आशीर्वाद है तो भी भगवान ने उनकी मेहनत देखकर ही तो दिया होगा ना। लेकिन बाबा ना अपनी मेहनत का शेयर कभी लेना ही नहीं चाहते। अब आप ही बताइए साई, ये उनकी मेहनत का फल है या सिर्फ पूजा पाठ का? अपने कर्म को मन लगाकर ईमानदारी से करना ही तो सबसे बड़ी आराधना है पूर्णा। सही कहा ना मैंने? और तूने फिर शुरू कर दिया साई से तर्क वितर्क करना। बाबा प्रणाम। साई राम जी भला करे। बधाई हो रघुपति, तुम्हें गंगाधर जी के यहाँ सजावट का बड़ा काम मिला है। देने वाला वो मालिक है साई, सब उसी की कृपा है। सच कह रहा हूँ साई, जब से आपके मार्गदर्शन में फूलों का व्यापार शुरू किया है सब अच्छा हो रहा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। रघुपति ये तो तुम्हारी और पूर्णा की मेहनत का फल है। आप भी इसकी भाषा बोलने लगे। लेकिन हाँ, पूर्णा जैसी बेटी नसीब वालों को ही मिलती है। इसकी आई के जाने के बाद जितने लाड़ प्यार से मैंने इसको पाला है इसने भी मेरा उतना ही ध्यान रखा है। अब तो एक ही सपना है कि इसको दुल्हन के रूप में देखूं। बस आपके आशीर्वाद से पूर्णा की अच्छी जगह शादी हो जाए तो मैं भी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। अल्लाह मालिक। मैं चलता हूं। साई कोई संकेत देते, कोई रास्ता दिखाते पूर्णा की शादी के लिए तो अच्छा होता। बाबा चले गंगाधर जी के घर पहुंचना है। हाँ चल चल। काका जरा आहिस्ता चलिए, आपने चप्पल भी नहीं पहना है, ऐसे तेज तेज चलेंगे तो आपके पैर में चोट आ सकती है। लेकिन काका क्या नंगे पैर आना जरूरी था? साई तो कहते हैं खुद को कष्ट देकर पूजा करना ठीक नहीं है। मैं सिर्फ दिगंबर गुरु जी को मानता हूँ और ये उन्हीं की आज्ञा थी, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ मैं, नहीं तो पता नहीं कौन सी मुसीबत हमारे परिवार पर आन पड़ेगी। पर आप अपने गुरु से इतना डरते क्यों हैं काका? हमने भी तो साई को गुरु माना है लेकिन हम उनसे डरते नहीं है, वो तो उल्टा हमारे दोस्त की तरह है। तुम हमारे गुरु जी को जानते तो उनकी तुलना किसी से नहीं करते। राम जी भला करें। घर में सब कैसा है माई? मेरे पति के देहांत के बाद मुझे डर था कि मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगी, लेकिन आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है बाबा। शिरडी के लोग भी कुछ ना कुछ काम देते रहते हैं जिससे हमें कभी भी भूखे पेट नहीं सोना पड़ता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर हम यहाँ नहीं होते तो हमारा यह जीवन नरक से भी बदतर होता। लेकिन आपके आशीर्वाद से बाबा मैं और मेरी बच्ची दोनों ही खुश है। किसी के जाने से जीवन कुछ पल के लिए थम जरूर सकता है, रुक नहीं सकता।
ये क्या किया आपने? मैं तो आपको हमारे हाथों में पूजा का कलश दिखाई नहीं दिया। हम शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, ऐसे में आप जैसी औरत का सामने आ जाना। गंगाधर जी, आप जैसी औरत से आपका क्या मतलब है? मतलब विधवा औरत। काका ये क्या कह रहे हैं आप? अरे हम सही कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य से पहले अगर विधवा सामने आ जाए तो कार्य में रुकावट आती है, अमंगल होता है, अपशगुन होता है। अपशगुन तो होते होते बचा है। ये देखिए गंगाधर जी, अगर ये इसे ना देखती और आपके रास्ते से ना हटाती तो सोचिए क्या होता। हाँ ठीक है, इन्होंने जो किया अच्छा किया, लेकिन हम अपने गुरुजी की बात तो नहीं टाल सकते हैं ना। इससे अच्छा तो यही होता कि ये कांटा हमारे पांव में चुभ जाता, वो तकलीफ हम सह सकते थे, लेकिन इस अपशगुन की तकलीफ हम नहीं सह पा रहे हैं। और इस अपशगुन के कारण हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई तो पता नहीं अब हमारे गुरुजी क्या कहेंगे। गुरुजी के चरणों में गिरकर इसका उपाय मांगना होगा, वही बताएंगे हमें इस अपशगुन के प्रकोप को टालने का निदान। माई दुखी मत होना, तुमने जो किया है उसने तुम्हें शगुन अपशगुन से कहीं ऊपर उठा दिया है। एक दिन वो भी ये समझ जाएंगे। खेत पर जा रहे हो? हाँ श्याम। चलो मैं भी चलता हूं। लेकिन हम तीन हो गए और पता है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है। हाँ सही बोल रहा है। अब हम चार हो गए, अब चल सकते हैं। साई, आपकी वजह से आज खमार हो गया। आज खेत से इतनी जल्दी लौट आए बल्लभ?
हर दिन मैं एक साधारण कोयला रखता था। आज मेरे पास आपके आशीर्वाद के साथ मिला कोयला था। इसे लेकर मैं खेतों में पहुंचा तो देखा कि सारे मजदूरों ने अपने आप ही काम शुरू कर दिया है। बिना किसी देर के मेरे सारे खेत के रोपण का काम हो गया। और कमाल ये है कि इतने जल्दी ये सब काम खत्म हो गया। साई, अप्पा साहब के खेत के रोपण का काम कल ही खत्म हुआ। उन्होंने अपने मजदूरों को हम सब के खेतों में मदद करने के लिए भेजे, इसीलिए काम जल्दी हुआ। ये सब आपके कोयले की वजह से हुआ है। अच्छा, अब ये तावीज मुझे दे दो। कल से तुम अपने घर का कोयला ले जाना। वापस चाहिए आपको? लेकिन साई, ये कोयला सच में शुभ है मेरे लिए। शुभ तो तुम्हारे लिए तुम्हारे घर का कोयला भी था बल्ला। था, लेकिन इतना नहीं। इसे मेरे पास रहने दीजिए ना साई। ये कोयला किसी की अमानत है, मुझे उन्हें लौटाना है। साई, कुछ दिन बाद लौटा दूं तो? अभी तो बस रोपण हुआ है, अब बाजार जाकर अच्छी खाद लेना है, और भी बहुत सारे काम बचे हैं। और ऐसे में ये शुभ कोयला और कुछ दिन मेरे साथ होता तो? ये संभव नहीं है बल्लभ, इसे लौटाना ही होगा। श्यामा, बल्लभ को साथ लेकर धूनी के पास जाओ और ये तावीज धूनी में डाल दो। जी साई। क्या आप इसे धूनी में जला देंगे? लेकिन आप तो कह रहे थे किसी को लौटाना है। अग्निदेव की अमानत है, उन्हीं को लौटानी है। आओ बल्ला। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मेरे लिए इतना शुभ है ये कोयला, लेकिन अब गया हाथ से, पता नहीं अब क्या होगा। साई, इसमें तो लकड़ी का टुकड़ा है। और फिर भी तुम्हारा काम बन गया, और ज्यादा अच्छे से बन गया। बैठो। मतलब तुम्हारे साथ अच्छा होने के लिए कोयला नहीं, तुम्हारा विश्वास जरूरी है, तुम्हारी आस्था जरूरी है। कोयला हो या लकड़ी, काम उन्होंने नहीं,
तुम्हारे आत्मविश्वास ने कर दिखाया है, लेकिन यह विश्वास आस्था एक बात है, निर्भरता एक बात है। जब हम किसी एक वस्तु पर इतना निर्भर होने लगे कि उसके बिना हमारा आत्मविश्वास बन ही ना पाए, उसके बिना हम आत्मनिर्भर होना भूल ही जाएं, तो ये अंधविश्वास कहलाता है। खुद देखो, तुम पहले एक साधारण कोयले पे निर्भर थे, अब तुम्हें लगा कि मैंने आशीर्वाद के रूप में कोयला दिया है तो तुम्हारा काम और भी अच्छा हुआ, निर्भरता की सूची बढ़ने लगी, इतनी कि जब मैंने तावीज लौटाने को कहा तो तुम्हारे मन में डर बैठ गया कि कल को तुम सफल हो पाओगे या नहीं। अंधविश्वासों को अगर तर्क से रोका ना जाए तो ये रोग बन जाते हैं। अगर विश्वास करना है तो अपनी काबिलियत पर करो, अपनी मेहनत पर, अपनी मंशा पर करो। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही बल्लभ, और साथ में कोयला क्यों ना, तुम्हें उनका सामना अपने सामर्थ्य से ही करना होगा। जितना तुम कठिनाइयों से लड़ोगे तुम्हें उतना ही आत्मविश्वास भी होगा, तब तुम केवल अपने पे आश्रित रहना सीख जाओगे। सच कहा साईं, मैं भी कितना मूर्ख हूं, आपके होते हुए मैंने कोयले पे विश्वास किया, जहां आप है वहां अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं। मैं उम्मीद करता हूं बल्लभ, जिस तरह तुमने अपने अंधविश्वासों पर जीत पाई, बाकी लोग भी जीत पाए। अल्लाह माले। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी कुछ तो भूल रही हूँ। ये कलश लेकर अभी आ जाएंगे, गुरुजी तो पहले ही पधार चुके हैं। गलती से भी कुछ रह गया तो अनर्थ हो जाएगा। सावित्री काकी, हाँ कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं ले आऊंगी। पूर्णा वही तो याद नहीं आ रहा। मैं अभी आई। पूर्णा, अरे कहाँ गई ये लड़की? इसके मन में कब क्या चलता है ये तो मैं भी नहीं समझ पाया बहनी। ये लीजिए, मैं पानी लेकर आई हूँ। मैंने देखा आपके यहाँ पानी खत्म हो गया था ना, तो मैं पड़ोस से पानी लेके आई। पानी, यही तो मैं भूल रही थी। सबके आने के बाद पैर धोने के लिए और पीने के लिए भी तो पानी लगेगा। साई कहते हैं कि लोगों की मदद करना हमारा फर्ज होता है। कौन कहते हैं? सावित्री, हो गया कलश पूजन? हाँ। चलिए पहले पैर धो लेते हैं। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं गुरुजी। जी वो घर की चारों ओर सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। हाँ
गुरुजी को वो विधवा औरत वाली बात कैसे बताऊं? शास्त्रों का उल्लंघन हम कभी नहीं स्वीकार करेंगे। इसे एक कोड़ी और ज्यादा नहीं दूंगी। अब जल्दी से ये फल थैली में डाल दो, मुझे लौटना भी है। भिक्षाम देही। ये कैसा फकीर है जो इस टूटे फूटे घर से भिक्षा मांग रहा है? घर देख के तो लग रहा है यहां खुद भिखारी रहते होंगे। साईं, प्रणाम। साईं, राम जी भला करें। आप हमारे घर? हाँ भाव, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? जी देखता हूँ साईं। जल्दी करो। माफ करना, यही एक केला बचा है। ये भी थोड़ा खराब हो गया है और कुछ खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। तो क्या हुआ? ये मेरे लिए काफी है। ला दो। ये, लेकिन ये तो आपके खाने लायक नहीं है। इसका निर्णय तो मैं करूंगा ना। ला दो मुझे। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम। मेरा बेटा 6 महीने से नगर जाकर नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली और इधर मेरे पास भी पैसे खत्म हो गए हैं और अब तो मुझे डर लगने लगा है कि मजबूरी में आकर मुझे खंडोबाजी के मंदिर के बाहर भीख न मांगनी पड़े। इस फल के लिए आभारी हूं, राम जी भला करें। लेकिन भाऊ, अब आप क्या खाएंगे? इसे खाकर भी कौन सी तृप्ति मिल जाती? कम से कम अपनों भिक्षा दे पाने की खुशी से मन को ही तृप्त कर लेता हूं। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। भगवान करे आपके बेटे को उसकी मेहनत का फल जल्दी मिल जाए। मुझे तो ये फकीर पागल लगता है कोई। बाबा, बाबा। बेटा तू आ गया। हाँ बाबा, और मुझे नौकरी मिल गई।
ये देखिए चिट्ठी, दफ्तर वाले रहने का घर भी देंगे और अब से हम दोनों वही रहेंगे। ये क्या हालत हो गई है आपकी, सब मेरे कारण, लेकिन अब सब अच्छा होगा, मेरी तनख्वाह भी अच्छी है। बाबा इस नौकरी के लिए इतने उम्मीदवार थे, लेकिन ये नौकरी मुझे मिली है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा चलिए पहले कुछ खा लीजिए, देखिए मैं आपके लिए कितने सारे केले लाया हूँ। भगवान करे आपके बेटे को उसकी मेहनत का फल जल्दी मिल जाए। भगवान कृष्ण ने सुदामा के तीन मुट्ठी चावल लेकर उनकी झोली भर दी थी, उसी तरह आपने भी मेरी झोली भर दी साईं। ओम साईं राम, ओम साईं राम। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओ साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे तो चिंता हो रही थी कहीं मुहूर्त से पहले तुम ना पहुंचे तो क्या होगा। गुरुजी, आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरी जीवन की सफलता है। मैंने इस घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना दिया है। नहीं तो यहां का वातावरण तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट लाता। मुझे गुरु जी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। गुरु तो विनम्र होते हैं, साई की तरह, आलसापति काका की तरह, श्रीकांत अध्यापक जी की तरह। गुरु तो डर दूर करते हैं, पर ये तो उल्टा डरा रहे हैं। ऐसे कोई शिष्य क्या सीखेगा बाबा। यहाँ हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। शांत रहे बेटा, मुहूर्त का समय हो चुका है, गृह प्रवेश करते हैं। गुरुजी, मेरा बेटा मोहन, उसे तो आने देते। समय सबसे बलवान, समय का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। अगर समय और संबंध में कोई एक चुनना हो तो समय को ही चुनना। और अभी समय है गृह प्रवेश, तो अभी कर लो या 7 महीने प्रतीक्षा कर लो। जितना आज का मुहूर्त शुभ है उतना इस पूरे वर्ष में मुहूर्त नहीं होगा। दुखी किस लिए हो रहे हो, तुम्हारा पुत्र वैसे भी इन बातों को नहीं मानता। वो ना समझ है गुरुजी। अच्छा, इतना ना समझ है कि पिता की सारी बातें मानता, सिर्फ इस बात को छोड़कर। समय नष्ट मत करो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। ठीक। हम जो गंगाधर जी और सावित्री काकी को जानते भी नहीं है, हमें तो दिख रहा है कि वो जिस बेटे के साथ यहाँ रहने आए हैं उसके बिना गृह प्रवेश करने में उन्हें जरा भी खुशी नहीं है। लेकिन जो इनके गुरु है
उन्हें इसकी कोई नहीं पड़ी है, बस ज्ञान दिए जा रहे हैं। शांत रह बेटा। रुको। मैंने इस द्वार पर नींबू मिर्ची लगाने को कहा था, ये आम के पत्ते किस बेवकूफ ने लगाए? जी मैंने लगाया, जैसे गृह प्रवेश के लिए सभी के घर सजाए हैं और लोग तो इन्हें मंगल सूचक भी मानते हैं। जब संस्कार समझ में नहीं आते तो अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। मंगल तो तब होगा जब किसी की कुदृष्टि ना पड़े। तेरी बेटी है? जी गुरुजी। तू तो समझदार होगा, तुम्हें नहीं पता कि इन्होंने इतना बड़ा घर खरीदा है, इतना खुशहाल परिवार है, अरे लोगों को तो इन्हें देखकर जलन होगी। नींबू मिर्च घर को इसी नजरों से बचाता है। माफ कर दीजिए गुरुजी, मैं अभी ले आता हूँ। पर क्यों बाबा, ये जो हमारी शेरडी है ना, यहाँ के लोगों का दिल बहुत साफ है, कोई किसी से नहीं जलता। और साई भी कहते हैं ये नजर लगना वगैरह सब अंधविश्वास है, मन का वहम है ये सब। अभूत, पानी पे नियंत्रण नहीं है क्या तेरा? क्या कहना चाहते? वर्षों से जो लोग नींबू मिर्ची टांगते आए हैं वो बेवकूफ है। उत्तर दे बेटी। तू ना? नहीं, इसने प्रश्न उठाया है, इसका उत्तर सुन के रहूंगा। लोग बेशक नींबू मिर्ची टांगते हैं, लेकिन साय का कहना है कि उसके पीछे एक वजह है। नींबू खट्टा और मिर्ची तीखी होती है। ये खट्टे होते हैं, इन्हें दरवाजे पर टांगने से हवा के साथ साथ इनकी सुगंध अंदर आती है, जिससे कीड़े मकोड़े घर के अंदर नहीं आते। नजर लगने या ना लगने से इसका कोई संबंध नहीं है। और ये तो नया घर है, इसलिए यहाँ कीड़े मकोड़े होने की कोई संभावना ही नहीं है। ये कल की लड़की मुझे सिखाएगी गंगाधर। तुमने मेरा अपमान करने के लिए मुझे यहां बुलाया था, ठीक है मान लो इस लड़की की बात, लेकिन एक बात समझ लो, कल को नजर लग गई, घर पे कोई संकट आ गया, मेरे पास सहायता की भीख मांगने मत आना। नहीं, नहीं गुरुजी, गुरुजी, इस शुभ अवसर पर आप क्रोधित ना, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आप नींबू मिर्ची जाते हैं ना, वही लगेगा। हाँ कृपा करके आप शांत हो जाइए। तो गृह प्रवेश का कार्य तब तक के लिए स्थगित करता हूं, ये मंगल कार्य आज नहीं हो सकता, और इस लड़की को अभी घर से बाहर करो, क्योंकि इसकी मूर्खतापूर्ण चतुराई के कारण आज ये शुभ कार्य टालना पड़ रहा है। गृह प्रवेश अभी इसी वक्त होगा। मोहन, ooh।
मैंने सब कुछ सुना बाबा। ये लड़की सही तो कह रही है। मैं खुद इन बातों पे यकीन नहीं करता, और जहां ऐसे अंधविश्वास अच्छे कामों में बाधा बने वो काम जरूर पूरा करना चाहिए। वरना हमेशा अंधविश्वास ही विजय होते रहेंगे। कैसा बेटा है तू? माता पिता की कोई चिंता ही नहीं, अपना अहंकार ही महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। भगवान से डर, भगवान से। ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है कि भगवान से डरना चाहिए? मैंने तो आज तक यही पढ़ा है कि भगवान करुणा और क्षमाशीलता से भरे हुए हैं। आप सही कह रहे हैं। साई भी कहते हैं कि हमें ईश्वर से डरना नहीं चाहिए, उन्हें अपना समझना चाहिए। सही कहा तुमने, लेकिन यही बात ये गुरुजी आई बाबा को कभी नहीं समझाएंगे, क्योंकि जिस दिन आई बाबा का डर खत्म हो गया उस दिन गुरुजी की दुकान बंद हो जाएगी। पिछले 7 सालों से आई बाबा को उल्टे सीधे नियम बताकर डरा रहे, उन्हें झूठ मूठ के ग्रह नक्षत्रों और अंधश्रद्धाओं में उलझा रहे, क्योंकि ये जानते हैं यदि बाबा ने इन्हें त्याग दिया तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी इनके हाथ से निकल जाएगी। सही कहा ना गुरुजी? बदतमीज, तुझे मेरी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। गुरुजी, यदि चाहूं तो इसी क्षण तुम्हें यहां भस्म कर सकता हूं। कोशिश तो करके देखिए। मैं भी देखना चाहता हूं कि मैं भस्म कैसे होता हूं। क्या कर रहा है मोहन, चुप हो जाना। गुरुजी वो हमारे बाबा। मैं ऐसे पाखंडी गुरुओं को बिल्कुल भी नहीं मानता। नहीं मानता है, ठीक है। मैं इसी समय तुम्हें और इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। जिस घर में गुरु का अपमान होता हो उस घर में भगवान की कृपा दृष्टि कभी नहीं होती। स्मरण रखना। गुरुजी, गुरुजी ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ऐसे शुभ अवसर पर हमें अकेला छोड़कर मत जाइए गुरुजी। ये तो नई पीढ़ी है, इनका तो स्वभाव ही ऐसा है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं समझाऊंगा ना उसे। ठीक है बाबा, अब जब समझ जाऊंगा तभी आपके पास वापस आऊंगा। मोहन, आप रहिए इस घर में, मैं जा रहा हूं। कहीं और रह लूंगा मैं। मोहन कहाँ जाएगा? हा? वो भी हमें छोड़कर। गुरुजी, आपके पास तो हर समस्या का समाधान है, क्या इसका कोई उपाय नहीं आपके पास? ठीक है, तुम्हारा बेटा गर्म खून है, इसे अभी समझाने से कोई लाभ नहीं होगा। गंगाधर, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसीलिए इस गृह प्रवेश की अनुमति देता हूं। किंतु इसके बाद जो मैं कहूंगा वो प्राश्चित तुम्हें करना होगा। जी गुरुजी, मैं वचन देता हूं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। क्या अभी शुभ मुहूर्त निकलने से पहले गृह प्रवेश कर सकते हैं? चलो। अच्छा बेटा, साईं ये क्या कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन काफी देर से सड़क पर बैठकर इस पत्थर की पूजा कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है,
हाँ एक बार तुम बात करो। नहीं तुम पूछो। साई आप ऐसे सड़क के बीच में क्यों बैठे हैं और ये आप क्या कर रहे हैं? मैं प्रार्थना कर रहा हूं। साई इस पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या खास बात है इसमें? पता नहीं लेकिन इसमें कोई ना कोई खास बात तो जरूर होगी। हम समझे नहीं साई। मतलब ये पत्थर यहाँ रास्ते के बीचों बीच है लेकिन फिर भी कोई इसे यहाँ से हटा नहीं रहा। ऐसा तो तभी होता है जब किसी पत्थर में देवता वास करते हैं। काहे का देवता साई? इस पत्थर से तो किसी को भी असुविधा के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन फिर भी इसे यहां से हटाने की जरूरत किसी ने महसूस नहीं की। पर साई ये बुरी तरह धसा हुआ है, देखिए ना आधा जमीन में है, इसे निकालना मुश्किल है। रास्ता हो या जीवन, बाधाएं दूर नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? साई ये बहुत भारी है, अकेले निकालना मुश्किल होगा। जो पहले से जड़े जमाए बैठा उसे हटाना मुश्किल तो होता है लेकिन किसी ना किसी को शुरुआत तो करनी ही होगी।